यूक्रेन जंग का 45वां दिन है। अभी दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। यूक्रेनी शहर माकारीव के मेयर वादिम टोकर का कहना है कि रूसी सैनिकों ने शहर पर कब्जे के बाद 132 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। शहर 40% तक तबाह हो चुका है। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट शनिवार रात को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने 25 मिनट में ट्विटर अकाउंट से 50 से ज्यादा ट्वीट भी किए। हैकिंग शनिवार रात 12:34 के आसपास हुई थी। यूपी सीएमओ नाम से इस आधिकारिक अकाउंट पर करीब 40 लाख फॉलोअर्स हैं। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने शनिवार को इनकी कीमत घटाने की घोषणा की। अब निजी अस्पतालों में इन दोनों ही वैक्सीन की एक डोज 225 रुपए में लगेगी। इससे पहले निजी अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपए और कोवैक्सीन की 1200 रुपए में मिल रही थी। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 1000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 1150 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1194 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 82 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 49,78,00,000 हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 61 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.37 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार के लिए आज बड़ा दिन है। इमरान कुर्सी पर रहेंगे या जाएंगे, यह अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग से तय होगा। आज सुबह नेशनल असेंबली में कार्यवाही 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 15 मिनट देरी से शुरू हुई। इमरान खान तो सदन में पहुंचे ही नहीं। स्पीकर असद कैसर के विदेशी साजिश के मुद्दे पर चर्चा करने की बात पर विपक्ष भड़क गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की विदेश नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोई भी महाशक्ति भारत के लिए शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। पीएम इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले कहा, भारतीय खुददार कौम है, या किसी भी विदेशी शक्ति को अपने निर्णय को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देती है। ऑस्कर सेरेमनी के दौरान हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ को कॉमेडियन क्रिस रॉक पर थप्पड़ मारना भारी पड़ गया है। एकेडमी मोशन ऑफ पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने विल स्मिथ पर बैन लगा दिया। इस फैसले के बाद विल अगले 10 साल तक ऑस्कर के किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी की आगोश में है। मैदान से लेकर पहाड़ तक तपने लगे हैं। अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी झेल रहे लोगों के लिए आने वाले 3 दिन लू से राहत नहीं मिलेगी। यूपी, हरियाणा, बिहार और झारखंड में लू चलने की आशंका है, इसलिए अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है। असराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव फ्लैट रहे। कल जिस भाव पर सोने का भाव बंद हुआ था, आज उसी रेट पर ज्वेलरी बाजार में दाम खुले। ज्वेलरी बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 51,700 रुपए के ऊपर चल रहा है। कल सोने का भाव 51,790 रुपए पर बंद हुआ और आज ये 51,790 रुपए पर खुला।